विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री हमारे लिए. क्वेश्चन है, एनालाइज द प्रॉप कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी एंड डिफ्लेक्टेड शेप. वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं. क्वेश्चन है, एनालाइज द प्रॉप कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ड्रॉ एसएफडी बीएमडी एंड डिफ्लेक्टेड शेप. प्रॉप्ट का मतलब होता है एक साइड कैंटिलीवर एक साइड रोलर, उसको बोलते हैं प्रॉप्ट कैंटिलीवर. सही ले रहा हो? इधर कितना लिखो? सही है, ये क्वेश्चन है, करेक्ट है. सो डिजाइन स्टेप है आपके पास, लास्ट टू लास्ट लेक्चर डिजाइन स्टेप लिखाया था, नहीं है? डिजाइन स्टेप बोलता है फर्स्ट स्टेप डीएस. डीएस का फॉर्मूला किसी को पता है? डीएस का आर माइनस थ्री बराबर थ्री प्लस वन कितना हुआ? फोर माइनस थ्री कितना होगा? मतलब एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है, उसको बोलते हैं डीएस. समझ में आ रहा है? तो हम लोग को रिडंडेंट लेना पड़ेगा. तो टेक रिडंडेंट एट बी. किसको ले रहे हैं हम लोग? आरबी को. किसको ले रहे हैं? आरबी को. सो स्टेप नंबर टू, टेकिंग आरबी एज रिडंडेंट ठीक है, टेकिंग आरबी एज रिडंडेंट. तो क्या करूंगा मैं? आरबी को हटा दूंगा. रिडंडेंट मतलब रिमूव. रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिमूव. आरबी हटा दिया. सी 40 किलो न्यूटन. यूडीएल 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 कितने का है? 12 का है. ईआई दिया गया सम में? सही है. इट इज समथिंग लाइक विच बीम? कैंटिलीवर बीम. इस डायग्राम को बोलते हैं यम डायग्राम. विच डायग्राम? एम डायग्राम. सो ये एम डायग्राम हो गया. एम डायग्राम का मतलब जहां रिडंडेंट लेंगे वो एम डायग्राम. समझ में आया? अभी नेक्स्ट बनेगा एम वन डायग्राम. क्वेश्चन आता है कि कितना बनेगा? एम वन बनेगा, एम टू बनेगा, एम थ्री बनेगा. इसके पहले जो सम किया था ना आपने, उस पर एक भी लोड नहीं रहता था, याद है आपको? ये देखो, मैंने टकला कर दिया. किसको? बीम को. टकले का मतलब क्या होता है? सारे फोर्स हटा देना. कोई भी फोर्स दिख रहा है क्या इस पे? लेकिन नाम पता रहेगा इसका. तुम अपने आप को टकला करोगे, गंजा करोगे, तो तुम्हारा नाम पता चेंज होगा क्या? बस लुक चेंज होगा बराबर. सो मैंने बीम सेम रखा, बीम के मेंबर सेम रखा, स्पैन भी सेम रखा, बस बीम के सारे फोर्स हटा दिया. इस स्टेप को बोलते हैं रिमूव ऑल द एक्सटर्नल लोड. क्या बोलते हैं? रिमूव ऑल एक्सटर्नल लोड एंड अप्लाई. यहां पे क्या मिसिंग है? आरबी ना. यूनिट लोड एट बी. सर बी पे ही क्यों? वाई नॉट सी, वाई नॉट ए? तुमने रिडंडेंट कहां पे लिया? तुमने छीना किसका? बी का. तो बी को ही देना पड़ेगा ना. समझ में आ रहा है? तो यहां पे ले लूंगा मैं 1 किलो न्यूटन. दूसरा क्वेश्चन आता है, सर नीचे से ऊपर क्यों, ऊपर से नीचे क्यों नहीं? कोई भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो. तीसरा क्वेश्चन आता है, ये करी क्यों रहे हो? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, ये करी क्यों रहे? क्वेश्चन का डिमांड है ड्रॉ एसएफडी बीएमडी. तो हम नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे,
नहीं होता। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने होते हैं? इसमें अननोन्स कितने हैं? चार है, इधर तीन और एक ये चार। इसके लिए हमको कोई तो मेथड से करना है, कोई तो मेथड। जब बोलता हूं ना मैं, तो मेरे पास बहुत सारे मेथड आते हैं। जैसे हमने एक मेथड पढ़ चुका है जिसका नाम है थ्री मोमेंट थ्योरम, सीथीएमटी पढ़ चुके हैं हम लोग, उससे ये सब सॉल्व करेंगे हो जाता। इन क्वेश्चन में मेंशन है फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए कर रहे, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मतलब इक्विलियम के हिसाब से तीन होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो वो एक्स्ट्रा में इधर तीन है, इधर एक है, चार। तो ऐसा कोई रूल्स नहीं कि आरबी को ही हटाना, हम आरए को भी हटा सकते थे। क्वेश्चन समझा? कोई डाउट है? नहीं तो मेरे को एक निकालना था, मैंने आरबी निकाला, मेरे को तकलीफ कम देता हो, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहां से हटाया वहीं पे वन लगा देने का। ये सब मेहनत करके मैं क्या निकालने वाला पता है तुमको? आरबी निकालूंगा, ठीक है। मेरा दो डायग्राम रेडी हो चुका है, डन। चलो आगे बढ़ेंगे, यहां तक रेडी है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो क्या रहेगा, कट एक्स, कट एक्स, कट एक्स, कट और एक्स। किसी के माइंड में डाउट है इसी साइड क्यों काटा, इस साइड क्यों नहीं? हमने बोला है ना कैंटिलीवर में हमेशा किधर लेने का, फ्री एंड पे। टेबल बनेगा, हेल्प करोगे टेबल में? बोलो क्या लिखूं, रीजन, ओरिजिन, लिमिट, ई आई, अभी एम वन नहीं, अभी एम, फिर एम वन। समझा? यस, एम और एम वन, कोई भी डाउट नहीं है, डन। आगे बढ़ेंगे, हर रीजन कट होना चाहिए, उसके लिए एक बार कट किया। और कोई डाउट है? प्रेम, पहला रीजन क्या लिख दू? बी सी, फिर सी ए, ओरिजिन, ओरिजिन जीरो से, फोर से, ई आई वन। ध्यान देंगे, सिर्फ इतना देख रहे हो आप लोग, सैगिंग होगी कौन से आपके दिमाग में चल रहा है, मोबाइल नहीं देख रहे हो, डन। ये देखो ये नीचे आ रहा है, डन, नीचे आ रहा है तो हॉग, ऊपर जा रहा है तो सैग, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो माइनस 12x2/2। सही बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, सही जा रहा हूं। अब आप इतना देख रहे हो, अभी आप इतना देख रहे हो, करेक्ट है, ध्यान देना। माइनस 40 × ये x में से कितना कम किया, कहां लिखू, ओरिजिन में ना, माइनस 40 × एक्स माइनस 4, सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ध्यान देना, 12 भी तो है, माइनस 12 × 4 कितना होता है, 48 बीच में एक्ट करेगा, मतलब दो कम, 12 × 4 = 48, टू इस साइड से, टू इस साइड से, पॉइंट लोड बन जाएगा। माइनस 12 × 4 कितना होता है, 48 × x - 2, समझो, बराबर x माइनस 2, वापस समझो, 12 × 4 = 48, पॉइंट लोड बनेगा, इधर से पीछे से कितना कम, दो कम, तो x माइनस 2, बोलो क्या लिखू, माइनस 48 × x - 2, समझा। अभी m1 डायग्राम देखेंगे, 1 x, वापस m1 डायग्राम देखेंगे, 1 × x। यूनिट लोड मेथड चैप्टर अगर आपको आता है ना, चलो हो गया यहां तक, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते। अभी देखो आपका दो टेबल ये रेडी हो गया, अभी ये सम में ना कितने नंबर ऑफ अननोन्स है, एक ही है ना फिलहाल, डीके डीएस तो एक ही है ना,
तो मैट्रिक्स कितने का बनेगा पता है? एक का ही बनेगा, मैट्रिक्स का रहेगा साइज 1/1 बराबर। अगर आप लोग ने स्टार्टिंग में डिजाइन स्टेप लिखा है तो यूनिट लोड टेबल के बाद का स्टेप देखो क्या है, डेल्टा क्या नाम है L1, क्या नाम है डेल्टा L1, क्या बोलता है डेल्टा L1, 0 से L M इंटू अपॉन EI इंटू DX, सही जा रहा हूं मैं बराबर, डेल्टा L1, चलो हेल्प मी, 0 से 4 M कितना है -6x2 1x, सही है, EI तो 1 ही है, प्लस दूसरा 4 to 8 -40x-4 -48x-2 सही है इंटू 1x, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आपके माइंड में, डन। नेक्स्ट कैलसी में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, डेल्टा L1 मिल जाएगा, माइनस ओके ये रेडी हो गया। अभी जितने नंबर ऑफ अननोन्स ना उतने डेल्टा बनेंगे, कितने नंबर ऑफ अननोन्स है सब में, तो एक ही बनेगा, दो रहते तो दो बनता। नेक्स्ट F11 जीरो से L M1 को स्क्वायर अपॉन EI DX, जीरो से 4 M1 कितना है 1x है स्क्वायर, प्लस 4 से 8 1x है स्क्वायर अपॉन EI DX अपॉन EI DX, सो आंसर आ जाएगा EI के फॉर्म में, बोलो आंसर कितना आ रहा है, आज ही बता रहे हो 170.67। चलो नेक्स्ट कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनेगा राइट ना, वही है ना नेक्स्ट स्टेप, देखो डिजाइन स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बन चुका है, 3, 4, 5, 6 स्टेप कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या बोलता है देखो इधर, F11 R1 है ना क्या है, इज इक्वल्स टू डेल्टा माइनस डेल्टा L1, क्यों 1 ही है ना तो बाकी कुछ आएगा ही नहीं, F11 मेरे पास रेडी है 170 पॉइंट अपॉन EI, R1 को R1 ही रखेंगे, डेल्टा दिया ही नहीं सब में, सिंकिंग नहीं दिया है, डेल्टा L1 की वैल्यू है मेरे पास, माइनस और माइनस बिकम प्लस 469333 सही है अपॉन EI है, R1 की वैल्यू आ गई, इसको इससे डिवाइड 469333 अपॉन 170.67, R1 बोलो 27 किलो न्यूटन, सो R1 की वैल्यू मतलब RB की वैल्यू, जो अननोन था ना वो अननोन RB था तो वो RB मिल चुका, इसी को रिडंडेंट लिया था हमने, सम खत्म हो गया, आंसर पॉजिटिव आया मतलब जो 1 किलो न्यूटन एज्यूम किया था ना स्टार्टिंग में सम में वो सही है, अगर नेगेटिव आता मतलब वो गलत था, कुछ नहीं चेंज द डायरेक्शन, सम हो गया क्या नहीं हुआ, रिएक्शन कैलकुलेशन बचा है, SFD बचा है, स्टेप नंबर 7 रिएक्शन कैलकुलेशन, ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर नाइन
आर ए एच ए तो जीरो रहेगा, करेक्ट ना, और यहां पे रहेगा 40 किलो न्यूटन और यहां पे रहेगा कपल 12 किलो न्यूटन पर मीटर और यहां पे कपल रहेगा जिसका नाम रहेगा एम ए क्योंकि फिक्स्ड है ना। समीशन एफ वाई आपको क्या मिलेगा, आर ए मिल जाएगा। चलो देखते हैं आर ए कितना आ रहा है। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सॉरी समीशन एफ वाई करने बोला और मोमेंट ले रहा हूं। समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो अप एज पॉजिटिव प्लस आर ए माइनस 40 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 27.49। शिफ्ट सॉल्व मारो आपको आर ए मिलेगा कितना आ रहा है। आर ए आज ही बताना है आंसर। सिक्स जीरो अभी एस एफ डी मिल जाएगा। समीशन और मोमेंट अबाउट ए लिया तो आपको एम ए मिल जाएगा, वो भी ढूंढी लेते हैं। देन समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो क्लॉकवाइज पॉजिटिव कैसा घूम रहा है ये, माइनस एम ए, एंटी घूम रहा है ना। ओके ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है 40 इंटू 4। ये कैसा घूम रहा है प्लस 12 इंटू, ध्यान देना 4 इंटू ब्रैकेट ओपन 4 बाई 2 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये कैसा घूम रहा है माइनस 27.49 इंटू 8। आपको यहां से एम ए मिल जाएगा। अब जाके सम खत्म हुआ आपका, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ध्यान देना बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट ए पे आपका जो एम ए का आंसर आएगा, ये बेंडिंग मोमेंट, इस पॉइंट का नाम क्या है सी। सो बेंडिंग मोमेंट सी रहेगा 20 सैगिंग हॉगिंग कॉन्सेप्ट इंटू 4 माइनस 12 इंटू 4 इंटू 4 बाई 2 आंसर आ गया। और बी पे क्या रहेगा दोस्त, जीरो रहेगा ना, क्योंकि सिंपली सपोर्ट रोलर सपोर्ट हमने पढ़ा भी था थ्री इंच में, हिंज और रोलर पे बीएम इज ऑलवेज फिक्स और कंटिन्यूस पे जीरो नहीं है। डन, ये सब खत्म करोगे यहां तक प्लीज खत्म करो। एम ए का आंसर है 228.08, एम बी ए का आंसर वही सेम आएगा, ये कितना है बीएमसी माइनस, सही है। प्लस में ठीक है, चलो आ जाओ एसएफडी और बीएमडी बना के वाइंड अप करते। अच्छा 13.96 डजंट मैटर, 13.769 आ जाओ इधर देखते। पहले तो उसने बोला डिफ्लेक्टेड शेप, तो देखो कैसा बनता है डिफ्लेक्टेड शेप, इधर फिक्स रहेगा फिर यहां पे नीचे आएगा और यहां पे ऐसे जाएगा, ये डिफ्लेक्टेड शेप है इसका, ठीक है। नेक्स्ट एसएफडी देखो, आरए कितना है, आरए कितना है, आरए 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 16.51। अच्छा 60.51 सीधा गया, माइनस 40 करो 20.51 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन 12 इंटू 4 माइनस ब्रैकेट ओपन 12 इंटू 4 माइनस ब्रैकेट ओपन 12 इंटू 4 माइनस आर बी चेक करो कितना है,
समझा, यहां पे कॉन्ट्रास्ट शेयर आ गया, यहां पे बीएम ढूंढना पड़ेगा, बीएम एक्सएक्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अभी बीएमडी देखो कैसा बनना चाहिए, यहां पे आंसर आपका ऐसा था ना कपल, और एमए आपका पॉजिटिव आ गया, जहां इसका एरो रहेगा ना उधर खींच लेने का। एमए का आंसर कितना है और बी पे कितना आंसर है, 13.76, ठीक है। अब यहां से यहां तक जाएगा इंक्लाइन लाइन, ठीक है, क्यों, क्योंकि यूडीएल नहीं है, यहां पे यूडीएल है, यहां पे कॉन्ट्रास्ट शेयर है, तो हल्का सा कर्व रहेगा, हल्का सा, और वो आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा कॉन्ट्रास्ट शेयर का, और फिर यहां से वो डायरेक्टली जाएगा जीरो। यहां पे आंसर कितना रहेगा, 27.49 डिवाइड बाय 12, 27.49 डिवाइड बाय 12, 27.49 डिवाइड बाय 12 कितना, तो देखो यहां पे रहेगा आरबी, आरबी कितना आया और ये कितना है 12 का, ये कितना है 2.29, तो बी एम एक्स एक्स हो जाएगा, कैलसी ले लो हाथ में फटाक से करो, 27.49 इंटू 2.29 माइनस 12 इंटू 2.29 स्क्वायर बाय 2, मारो कैलसी, मारो कैलसी, जो भी रहेगा 13 से हल्का सा बड़ा रहेगा, 14, 15, 16, थर्टी 31 आ रहा है, इतना काफी बड़ा गया, जीरो, 31.48 किलो न्यूटन डॉट मीटर। ये बन गया बीएमडी, ये बन गया एसएफडी, और ऊपर वाला डायग्राम डिफ्लेक्टेड शेप, समझा ये पूरा सम, धीरे धीरे और समझेगा, कल दो तीन सम करेंगे।